अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूँ सैफ अलवी, और आज मैं दो तगड़े तगड़े नौजवान लेके आया हूँ। एक इमरान अहमद मानी लाहौर से, डायरेक्ट फ्रॉम समा टीवी लाहौर, और दूसरे खुर्शीद आलम साहब हैं, ये तो हमारे कराची में जो थे। हम तीनों की खास बात यह है कि हमारी जिसामत अलग अलग हो लेकिन हमारी उम्रें आगे पीछे ही हैं, और अगर हम तीनों का अच्छा तजुर्बा मिलाया जाए तो करीब करीब क्लिंट ईस्टवुड की उम्र निकल आती है। सही कह रहे नहीं, इसमें ये भी कह सकते हैं, वो मिस्रा मशहूर है ना, ये नصف सदी का किस्सा है, दो चार बरस की बात नहीं, तो कह सकते हैं हाँ कि हमारा मिला के जो इतना बन जाता है। तो भाइयों शुरू करते हैं। जो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑलमाइटी, अल्लाह से शुरू करते हैं कि इंजमाम उल हक ने आज क्या किया। मानी भाई आप बताइए। जी खुर्शीद भाई, यार मेरे ख्याल में जो है ना, खिचड़ी काफी अरसे से पक रही थी ये, और बहुत से मामले थे इसके अंदर। एक तो ये कि जाहिर बात है, जका अशरफ जिस तरीके से टेन्योर में आए हैं, हमारे यहाँ बड़े मसाइल हैं कि सियासी बुनियादों पे भर्तियां होती हैं। नजम सेठी कुछ अरसे के लिए आए, और फिर उसके बाद जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो चपकलिश का बाइस बन रही थी, ये पीसीबी की कुर्सी चेयरमैन की, वो आ गए। अब वो आ तो गए, लेकिन जो तायिनाती वगैरह थी कोचिंग की, वो मिके आर्थर वगैरह वो पहले कर चुके थे। हारून रशीद थे, उनको बाहर निकाल दिया, उनकी जगह चीफ सेलेक्टर लेके आ गए इंजमाम उल हक को। अच्छा, इंजमाम उल हक का मसाइल ये है, देखें भाई, बड़ा बहुत बड़ा बैट्समैन है, लेजेंड बैट्समैन है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अच्छे कोच तो इतने साबित नहीं हुए कभी किसी के लिए, ना ही कोई चीफ सेलेक्टर के उसमें। हाँ, उनकी सिलेक्शन कमेटी में जो है चैंपियंस ट्रॉफी हम लोगों ने जीती, बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन अब जो मामला है ना, वो जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, वो बेसिकली हुई तो 3 से 4 दिन पहले, जब एक सोशल मीडिया पे एक स्टोरी जो है वो दी गई कि जो इंजमामुल हक हैं, वो जो प्लेयर्स के एजेंट हैं तलहा, उनके साथ वो जो कंपनी है उसमें वो शराकत दार हैं, और मोहम्मद रिजवान भी उसमें शराकत दार हैं। जब ये स्टोरी डेवलप हो गई, क्योंकि पाकिस्तान टीम हार रही थी, सब तनकीद कर रहे थे, तो इस स्टोरी ने जो है वो सोने पे सुहागा काम किया। अब जाहिर बात है, ये ज्यादा हाईलाइट होगी स्टोरी। इस स्टोरी के हाईलाइट होने के बाद जो क्रिकेटर्स, जो जितनी क्रिकेटर्स की क्रिकेटर्स हैं, वो मेरे मेरी जाती राय यह है कि वो लोग एक्टिव हुए हैं, और वो एक्टिव हुए और उन्होंने जो है फिर ये सूरत हाल करी कि किस तरीके से काउंटर किया जाए इस चीज को। इसमें बाबर आजम का नाम भी आ रहा था, इसमें चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक का नाम भी आ रहा था, पैसों के मुतालिक बहुत सारी बातें हो रही थी। क्योंकि जाहिर बात है, जो पैसों में बुनियादी चीज ये हो रही थी कि जो अभी जो मेरे पास इत्तला आई है, वो ये आई है कि जो क्रिकेटर्स थे, चार क्रिकेटर्स जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए तमाम के नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने कहा था, जनाब हम ना, जब तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हमारा इतना इजाफा नहीं होगा, ना हम आईसीसी के किसी इजलास में शिरकत करेंगे, ना आईसीसी किसी मीटिंग में शिरकत करेंगे, ना किसी तकरीब में शिरकत करेंगे, ना यूं करेंगे ना वो करेंगे। उस पर जक्का अशरफ और उस्मान वाला जो डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं, वो बड़े परेशान थे। तो इसमें फिर इंजमाम उल हक ने किरदार अदा किया, और इंजमाम उल हक ने कहा कि जनाब ये मसला मैं आधे घंटे 48 घंटों में हल करा दूंगा। वो जक्का अशरफ भी इस बात पर परेशान हुए कि कैसे तुम हल करा दोगे जब हमारी बात नहीं मान रहे। खैर, वो गए और बाबर आजम को लेकर जो है वो चले गए, और खुशनसीबी से मामला तय हो गए। मतलब आप ये देखें, एक कैटेगरी के जो खिलाड़ी हैं उनको पौने 8 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे भाई, तीन को, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर तो आजम। यार एक चीज, ये जब ये चीजें जब डेवलप हो गई ना, उसके बाद जब ये स्टोरी आई है ना, तो वो क्रिकेटर्स की जो फ्रेटर्निटी है, वो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जिनको भी जितने क्रिकेटर्स को सुन रहा हूँ, वो बचाने के लिए जो है ना ये आ रहे हैं एक दूसरे को। वो अच्छा ये यार देखो, इस जी जी मानियो बोलिए कुछ बोलिए कहना, भाई खुर्शीद साहब। देख, एक बात यह मैं करूंगा कि आप बात कर रहे हैं कि इंजमाम उलक ने कहा कि मसला सॉल्व करवा देते हैं और उसके बाद मसला सॉल्व हो गया, फिर तो यार मेरा ख्याल है इंजमाम उलक को दुआएं देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम नहीं, इंजमा मतलब एक बात आपकी बात करूं। सही है, लेकिन 127% इजाफे में से लेकर 202% इजाफा, यार ये एक एक बात बहुत है, बड़ा वैसे मार्जिन खुर्शीद है एक बात कर रहा हूँ, जी। क्या खिलाड़ियों के माली मामला, खासतौर पे क्रिकेटर्स की बात करूं, और आपको पता है हमेशा से मेरा एक स्टैंड रहा है इस बात पे, आपके साथ भी जब काम कर रहे थे उस वक्त भी उसके बाद भी, कि क्या
खिलाड़ियों के माली मामला हमारा इशू है, मतलब लोगों का इशू है, आम लोगों का इशू है, इसलिए कि देखें असल में बात पता है क्या होती है, थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा खींचता हूँ बात को। एक बड़ी मारूफ सी एक वो मिसाल है किसी फिलोसफर का कहना है कि शिकस्त हमेशा यतीम होती है, जी, ठीक है ना, शिकस्त हमेशा और जो कामयाबी होती है ना होती उसके है, उसके हजारों दावेदार बहुत होते हैं, बहुत उसके सारे वारिस बाप होते कह हैं। लें या दावेदार बहुत होते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब ये जहां तक हम कभी इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नाम दें या एजेंट्स की बात करें या बट, ये सारी चीजें आज की नहीं है, ये बरसों से चल रही है, ठीक है ना, नहीं आपको भी ऐसा पता नहीं है। है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं नहीं है मानी साहब। नहीं मैं बताता ये जो मैं आपको हूँ, बताऊं, एक मिनट अभी मुझे थोड़ा सा रुकिए, आप रजाक, रुकिएगा, आप एजेंट्स के हवाले से आप बात करते हैं तो बेशक अब है, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, वो किस तरह से। आप ये देखिए कि माजी में सेम लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ओहदों पर रहे या नहीं रहे, डिपार्टमेंटल रहे भी क्रिकेट में भी वो इन रहे, वो नेशनल टीम के साथ भी इन रहे, कभी वो सिलेक्शन सही, कमेटी ठीक में भी इन रहे, तो है, क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था? बिल्कुल था। वो भी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था ना। अब बात सीधी सी ये है कि इस वही जो मैंने शुरू में बात की कि जब आप अगर आपकी क्या मेरा एक और सवाल है कि अगर अभी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ठीक होती, पाकिस्तान टीम अप टू द मार्क होती है जो आ, आ, जैसा होना चाहिए था, क्या तब भी ये मसला उठता? बिल्कुल नहीं उठता। देखें बस माने साहब, एजेंट्स का जो मामला है ना, वो गुज़िश्ता कुछ 6 से 8 माह से मीडिया के अंदर गाहे बगाहे साफ़ी इस चीज़ को अखबारात में भी मेंशन कर रहे हैं कि एजेंट्स का किरदार बहुत ज्यादा हो गया है। वो इंटरप्शन करते हैं, वो खिलाड़ियों को ये बोलते हैं कि भाई हम आपको टीम में डलवाएंगे, और ये बात इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस वजह से नहीं है कि पैसे कमा रहे हैं, लेकिन यार एक मिनट, इस वजह अभी से है अगर हम कि जो डिजर्विंग प्लेयर हैं, जो डिजर्विंग प्लेयर होने चाहिए, जो जिनको टीम में होना चाहिए, जब आप देख रहे हैं कि एक टीम 3 साल से एक साथ चल रही है और उनमें शादाब खान परफॉर्म नहीं कर रहे, उनके अंदर जो है वो फखर जमान परफॉर्म नहीं कर रहा, इमामुल हक परफॉर्म नहीं कर रहा, या मोहम्मद रिजवान के साथ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन या हसन अली हारिस अफीफ खुर्शीद, हसन प्रॉब्लम है, अली नहीं, अभी ये एक जितने चीज है, प्रॉब्लम्स नहीं हैं एक आप देखे मिनट, ना। अभी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, अभी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं जिनके आपने नाम लिए, मिसाल के जी तौर जी पे इमामुल हक से बात शुरू करें, तो क्या आपका जी ख्याल जी है इमामुल हक हमेशा से आउट ऑफ फॉर्म है? नहीं, अभी रिसेंटली मतलब कुछ अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है ना इमामुल हक, अगर आप देखें उनका ट्रैक रिकॉर्ड, अगर आप देखते हैं वो भी देख लें, आप बात करते हैं उसकी रिजवान की बात करें, आप बात कर ऐसा इवन करते शायद हैं आप, हाँ आप बोले मानी बोले साहब, इमामुल हक का आप अभी जो है ना वनडे मैच लिस्ट निकाल लें, ठीक है भाई, वनडे हाँ बिल्कुल मैच लिस्ट निकाल लें, और जो हमारा एतराज है या बहुत से साफियों का एतराज है, वो ये है कि भाई आपने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान आपने कितनी बड़ी टीमों के साथ वनडे मैचेस खेले हैं, सर, आपने नहीं खेला? ऑस्ट्रेलिया, अच्छा अब मैं मुझे पता है, मैं एक और ऑस्ट्रेलिया जो के भी अंदर हमारी याद जो एक टीम आई मिनट एक थी मिनट उनमें बड़ी तीन बड़ी फास्ट टीमें बॉलर आ नहीं रही हैं, थे, आप यही बड़ी रुकिएगा, टीमें आ यही रही हैं रुकिएगा, लेकिन बड़े खिलाड़ी नहीं आए, एक अब बड़े सुनिए खिलाड़ी नहीं मेरी, आए ना। नहीं, अब मेरी सुने, अब जरा मौका दे भाई मेरे, तफसील से सुनिएगा बात। ये बड़ा जी जी एतराज जी होता है कि इन्होंने बी सी और पता नहीं लोगों का बस चले तो जेड से भी आगे निकल जाए गिनवाते कि वो टीमें आई थी, मान ली मैंने, मान लिया, बात यह है अब भाई जो टीमें आई थी उनके खिलाफ परफॉर्मेंस को ही काउंट किया जाएगा ना जब उनका सिलेक्शन होगा, या जब उनको आगे आप लेके, मतलब अब आप इस बात पे सेलेक्ट नहीं करोगे यार, जब तक ए टीम नहीं आएगी हम सेलेक्ट, इसने बेशक बी ऑस्ट्रेलिया की बी टीम आई थी उस पर परफॉर्म किया था, हम नहीं सेलेक्ट कर सकते, पहले ऑस्ट्रेलिया की ए टीम को बुलाओ फिर सेलेक्ट करो जो टीमें आएंगी। और दूसरी बात, अगर नहीं मेरी बात को नहीं साहब, समझे कि मानी जो, साहब, हाँ बात सिलेक्शन की नहीं है, बात फिर सिलेक्शन की नहीं है, बात चौड़ेपन की है, यार बात देखो अब आप जिम्मेदारी दूसरी की है, तरफ ले जा रहे हैं, देखिए ये बात बात जो सही है, जिम्मेदारी की है, बात जिम्मेदारी की है। देखिए अगर आपको याद हो, न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज में यही राशिद लतीफ, यही राशिद हाँ लतीफ थे जिन्होंने कहा कि इमामुल हक ने ग्रोइन इंजरी का बहाना बनाकर मैच खेलने से इनकार कर दिया, सर, और वेरी नेक्स्ट मैच में जब उनको पता लगा कि फखर जमान वापस टीम में आ सकता है, तो उसने बोला कि नहीं मैं फिट हो गया हूं। तो टीम मैनेजमेंट ने उससे पूछा, ऐसी कौन सी ग्रोइन दुनिया में होती है जो एक दिन में ठीक हो जाती है, पहली अच्छा बात। एक मिनट, दूसरी बात, एक अभी राशिद एशिया कप के लतीफ, अंदर देखें, हम नियतों की बात नहीं कर रहे, लेकिन एशिया कप अभी उमर गुल ने शादाब खान के बारे में क्या बोला है, इंजरी, ये हम नहीं बोल रहे, क्रिकेटर ही बोल रहे हैं ना, वो क्रिकेटर हाँ बोल रहे हैं जो मैदान में खेलते रहे हैं, वो अच्छा क्रिकेटर एक बोल रहे हैं मिनट जो उनके साथ यही देखते रहे रुकिएगा हैं उनको। खुर्शीद, खुर्शीद देखें आप
क्रिकेटर्स की अगर आप बात करते हैं, पहले तो आप बताएं क्या आपके लिए तमाम क्रिकेटर्स जो है वो सनद का दर्जा रखते हैं? बहुत सौ के लिए रखते हैं, बहुत सौ के लिए नहीं सनद रखते। का, अब राशिद लतीफ की अगर आप बात करते हैं, मैं खुदा न खास्ता, मैं राशिद लतीफ की बड़ी मतलब कदर है, और मतलब एक पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान भी, और बड़ा उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मतलब एक फॉर्मर क्रिकेटर की बात के ऊपर जो है, फॉर्मर क्रिकेटर की बात के ऊपर जो है, हम इस बात को आगे कैरी करते चले कि इसलिए ये सारी चीजें क्योंकि राशिद लतीफ ने कहा है, मतलब नहीं नहीं ये कोई मंतक नहीं हुई, देखिए, ये कोई मुद्दा मंतक मुद्दा ये नहीं नहीं हुई। है, मुद्दा ये है हाँ कि राशिद लतीफ को ये बात कैसे पता लगी कि बाबर आजम चेयरमैन पीसीबी और सलमान नसीर को टैक्स कर रहा है और वो जवाब नहीं दे रहे। इसकी दो दो वजूहत एक है, मिनट, ठीक, दो बात है, हाँ या तो बाबर आजम ने उसको बताया है, या फिर सही है, चेयरमैन पीसीबी या ने बताया, चेयरमैन पीसीबी ने बताया है, या लेकिन फिर बात तो तीसरी तीसरा बंदा वो है जो इनको मैनेज कर रहा है। अच्छा, खत्म बात। क्या ये बात साबित हो चुकी है कि उसने टैक्स, पहली बात तो ये है, पहले तो आप ये साबित कर लें कि जो राशिद, मैं हालांकि हो सकता है मेरा झुकाव भी उसी तरफ हो जो आप कह रहे हैं, लेकिन टेक्निकली जब आप बात करेंगे तो आप ये, फिर आपको ये पहले तो प्रूव करना, मैं इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रूफ साइड हो पे, चुका है ये, मैं इस इस बात पे को तो थोड़ा सा, इखलाकी तौर पर उंगलियां उठ चुकी हैं कि जो वो जो टैक्स दिखा दिया एक न्यूज चैनल पर, और उस न्यूज चैनल पर जो है फिर नहीं इखलाकी तौर पर सबने उंगलियां उठा दी। वो क्या नहीं टैक्स था वो? वो तो राशिद लतीफ की बात से मतजाद है, वो बात तो, वो तो राशिद लतीफ की बात वहां पे तो गलत साबित हो रही है। हुई ना, इट्स मीन्स कि टैक्स तो हुआ है, कोई बात नहीं तो हुई है। नहीं नहीं एक मिनट रुकें, थोड़ा सा यहाँ पे रुकिएगा, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि देखें, आपने कहा कि राशिद लतीफ ने यह कहा कि उन्होंने टेक्स्ट किया और वो उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ठीक है, पहला स्टेप यह था कि राशिद भाई ने यह दावा किया। दूसरा ठीक स्टेप है, यह आता है कि उसके बाद चेयरमैन पीसीबी इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं कि राशिद लतीफ जो है वो गलत बात कर रहे हैं, और उनकी बात को वो डिनाई करते हैं, और वो कहते हैं कि ये देखें, ये सलमान नसीर की जो है बात हुई है, और वो डिनाई कर, मतलब बाबर आजम ने इस बात को डिनाई कर दिया है, ठीक ठीक है, हो गया। वो एक अलग बहस है कि एक चैनल ने जो है उसको ऑन एयर किया, वो एथिकली ठीक था नहीं था, वो एक अलग बहस है, ठीक है। अभी बात ये कि आया कि ये टैक्स वाली बात में, टैक्स के दावे में कितनी हकीकत है, ये भी पहले अभी तक ये सवाल हल तलब है। आप और मैं, हम तीनों ही न्यूज से वाबस्ता हैं, तो मेरा ख्याल है इस चीज को बखूबी समझते हैं कि पहले तो इस चीज को आप वो देखें, अभी तक जो राशिद लतीफ साहब की बात है वो इंकशाफ नहीं है, वो दावा है, वो राशिद लतीफ साहब का दावा है, और उसका रद्द अमल कह लें या उसकी तरदीद कह लें, वो जो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से आई है। तो अभी तक पहली चीज तो ये है आया कि ये टेक्स्ट मैसेज हुआ भी है कि नहीं हुआ है, पहली तो चीज ये है। अच्छा होल्ड ऑन होल्ड ऑन मनी साहब, ओके राशिद लतीफ ने एग्जैक्टली जो कहा वो ये कहा कि खिलाड़ियों को 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, सही है, और बाबर आजम जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं चेयरमैन पीसीबी को और सलमान नसीर को, वो जवाब नहीं दे रहे, ठीक है, ये बात हुई। तो बिल्कुल जब खिलाड़ियों को 5 माह की से तनख्वाह ना मिले तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे, ये उनका मुद्दा था, ठीक है। मुझे ये बात बताएं, क्या राशिद लतीफ को ये नहीं पता कि मैच फीस जो है वो खिलाड़ियों को मिलती है? क्या उनको आप, ये नहीं पता कि डेली हाँ अलाउंस उनको मिलता है? आपने देखे, ये मेरी बात को और ना खुद भाई सुलझा दिया, ये आपने मेरी बात को खुद नहीं, सुलझा दिया। देखें ये जो बात है ना, इट्स मीन्स कि ये प्री प्लान्ड हुआ है ये, और ये प्री प्लान अच्छा, करने अब के एक मिनट, नहीं बाद यहाँ यार तो सॉरी भाइयों सर, आप भाइयों कहेंगे भाइयों कि आपको प्री भाइयों प्लान लगता नहीं लगता? खुर्शीद एक मिनट, साहब, मुझे आपने मुझे राशिद की बात की थोड़ी देर पहले, मिसाल दे रहे हैं, अब आपकी जो, अब जो आपने बात की है कि राशिद को ये नहीं पता ये नहीं पता ये नहीं पता, ये तो आप अब नहीं राशिद को काउंटर कर रहे हैं। अब आप यहाँ तो काउंटर नहीं कर रहे, राशिद, यहाँ उन्होंने ये कहा तो है, उन्होंने ये कहा नहीं, है। एक मिनट, लिसन लिसन लिसन, आपने अभी कहा राशिद के दावे की बात की आपने, अब आप कह रहे हैं कि राशिद लतीफ, इस तो हम फिर राशिद लतीफ की बात में उनके दावे पे कैसे बिलीव कर लें, उनके दावे पे जो, अगर आपकी इस बात को हम, मेरे भाई आपने ये कहा, साहब आप कंट्रोवर्सी को नहीं भाईजान समझ रहे, भाईजान आप भाईजान, मैं समझ अल्फाज रहा हूँ, पे जा रहे हैं, आप कंट्रोवर्सी को समझे ना, आप कंट्रोवर्सी नहीं समझ रहे। एक आदमी जिसका जिसका मुद्दा ये है, जिसका बयान ये है, स्टोरी ये है कि भाई ये एजेंट्स जो हैं ये खिलाड़ियों को टीम में डलवाते हैं और जिनका हक है उनको, मुझे बताएं जमान खान को क्यों नहीं शामिल किया गया
किसी अच्छे मोहम्मद वसीम की जगह। मोहम्मद वसीम ने किस बुनियाद पे आखिरी शामिल किया जाता है जमान खान को? कितने मैच खेला है जमान खान यार, तो भाई जिस कितने मैच मैच में खेला खेला है? उसका सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और उसने आपको मैच आखिर तक यही वसीम किया है वो। जूनियर को मेरी नहीं समझ में आता, एक मैच खेला तो उसमें आप वर्ल्ड कप खिला देते, एक मैच खेला उसमें आप वर्ल्ड कप, मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि मतलब नैरेटिव बिल्डिंग इस तरह होती है ना कि आप कोई भी एक सुरली छोड़ दें, उसके बाद दे दबा दब उसमें दे मार, 4.5 ट्वीट भी मारते रहे प्रोग्रामों में भी, आप इधर की उधर की मिला के आप आपने नैरेटिव बिल्डिंग कर दें। जमान खान को सिर्फ वनडे में नहीं, T20 में आजमाया है आपने, PSL में आजमाया है, ये जितने क्रिकेटर कॉमी टीम में शामिल हुए ये किस चीज की प्रोडक्शन है, ये कहाँ एक से आए मिनट हैं ये? एक मुझे मिनट बताएं एक शादाब मिनट खान कहाँ से आया, यार, आप मुझे लोग बताएं हसन एक अली कहाँ से एक आया, बात बता मुझे दें, बताएं एक फहीम तरफ अशरफ आप कहाँ से आया, कहते हैं, मुझे बताएं एक फखर तरफ जमान आपका कहाँ से एतराज आया, होता है कि आप मुझे जो बताएं फॉर्मेट नहीं देखते, हारिस रऊफ कहाँ आप से ये आया है? कहते हैं, आप एनक तो एक रखे ना यार, आप एक तरफ ये कहते हैं, एक तरफ आपका दावा होता है कि टेस्ट खेलने वाले को आप वनडे खिला देते हैं, T20 खेलने के वाले को, ये अक्सर बेशतर आप लोग ये बात करते हैं और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं जहां पे मनपसंद खिलाड़ी नहीं होता या आपकी अपनी फ्रेंचाइज का नहीं होता या जहाँ जिस तरफ हमारे अपने मीडिया ग्रुप का झुकाव नहीं होता, तो वहां पर जो हम ये कह देते हैं कि यार इसका फॉर्मेट, अब्दुल्ला शफीक पे बड़ी बातें होती रही कि वो लिस्ट ए नहीं खेले, लिस्ट ए नहीं खेले, जब वो चल गए वो परफॉर्म कर दिया उन्होंने नहीं, लिस्ट इसी ए की तरह। बात नहीं थी, नहीं एक मिनट अब्दुल्ला शफीक के मुताबिक बात ये थी सर, कि मैं आपको सिर्फ कोटेशन, आप मैं कितने लोगों के ट्वीट्स भी दिखा सकता हूं कि... एक फर्स्ट क्लास मैच खिलाने पर उसको आपने डेब्यू करा दिया, ये अच्छा कहीं नहीं एक होता। मिनट खुर्शीद, अच्छा यार एक मिनट, अच्छा नहीं होता फिर जमान को क्यों खिला देते यार आप? जमान को किस बुनियाद पे खिला देते? जिस बुनियाद पे आपने शादाब को खिलाया, जिस नहीं बुनियाद पे आपने नहीं एक मिनट बाकी लोगों ना, को खिलाया, एक मिनट ना, आप एक शादाब मिनट, की, आप मुझे बताए ना शादाब की कर रहे हैं आप यहाँ पर नहीं वकालत कर रहे हैं, तो ना आप मैं वकालत किसी की नहीं कर रहा, वकालत तो इमरान अहमद मानी से वकालत कर रहे करता, हो, अपने ही करता है। आप हाँ खिलाड़ियों की खुर्शीद वकालत आलम कर की, रहे हैं इमरान अहमद मानी आप खुर्शीद आलम की पाकिस्तान क्रिकेट वकालत की कर वकालत लेगा, करें भाई, सुहेब अलवी की देखिए वकालत इससे कर लेगा पाकिस्तान ये? क्रिकेट को हाँ नुकसान होगा, जो आप कर रहे हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा इससे, आप सर एक बहुत जितना बड़े दायरे में बहुत बड़ी जगह पे मौजूद हैं, ऐसा नहीं करें मानी साहब। सर, अब मैं क्या बोलूं, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, मैं आप तो खैर मेरे दोस्त हैं लेकिन अब हमारे और आपके सराउंडिंग में बैठे हुए लोग जितना नुकसान पहुंचा चुके हैं ना, बस अलामान अल हफीज वाली बात है कि अल्लाह ताला खैर रखे कि लोगों ने जो डैमेज करना था जिस तरह से। देखिए एक बात खुर्शीद, ऑन द सीरियस नोट, मैं हो गया, आप हो गए या सुहेब हो गए या हमारे साथ जितने भी लोग जिन्होंने हमारे साथ जलजम किया है या जो कर रहे हैं हमारा, देखिए मोस्टली लोग, हम लोग वो लोग हैं कि जिनके कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा ही है कि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ जी एक प्रोग्राम कर रहा है, प्रोग्राम की हद तक होता है, खबरें दे रहा है, खबरों की हद तक होता है, बुलेटिन की हद तक होता है कि हम अपनी स्क्रीन को अच्छा बना दें ना। मेरा ख्याल है हम में से किसी के बाबर आजम से ताल्लुक आते हैं ना, शाहीन अफरीदी से ताल्लुक आते हैं ना, मतलब इस हद तक ही ताल्लुक होते हैं कि हमारे प्रोग्राम की है न्यूज की हद तक, राइट? हमारा मतलब कोई ऐसे बेनिफिट्स नहीं है। हाँ सबका अपना अपना व्यू पॉइंट जरूर है, आपका भी है, मेरा भी है, सुहेब का भी है, दीगर लोगों का भी है। बात मैं करूँ कि देखिए खुर्शीद, मेरा एक सिंपल सा ये होता है जब भी हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है कि हम डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट ग्लासेस यूज करते हैं। मेरा एतराज सिर्फ इस बात में है कि कहीं पे हम एक ही चीज को, हम कह रहे होते हैं कि एक प्लेयर को लाते हैं तो हम कहते हैं कच्चा तोड़ लिया गया, दूसरी तरफ सेम एक्सपीरियंस का प्लेयर होता है या सेम उसका प्लेयर होता है उसकी हम वकालत कर रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं इसको क्यों नहीं खिलाया, ठीक अच्छा है चले ठीक है, छोड़ दे छोड़ दे मानी आपको? साहब, ये बहुत लंबी बात हो जाएगी और देखने वाले भी शायद इससे जो है बोर हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, इंजमाम उल हक ने आज जो इस्तीफा दिया या जो जितनी डेवलपमेंट है इस पर आप 2 जुमलों में अपनी राय दे दें। यार देखो बात खुर्शीद सीधी सी, मैं वैसे एक ऑनेस्टली एक बात कहूँ, अब पता नहीं ये नैरेटिव जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये पूरा एक प्लांट किया गया और सारा किया गया, मे भी ऐसा हो, मे भी ऐसा, लेकिन एक बात कहूँ, इस्तीफा देना उसका, उसने जो इस्तीफा दिया ना, इस वक्त मैं कहता हूँ कि अपर हैंड जो है ना वो इंजमाम का हो गया, इस्तीफा देने के बाद अपर हैंड उसका हो गया कि उसने, अब कल को क्या निकलता है क्या नहीं, जो हम अक्सर अपनी पॉलिटिक्स भी में भी बात करते हैं, जब हम पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जा रहे अक्सर क्या कहते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जब आपके आपके ऊपर चार्जेस लगे, तो ये अक्सर हमारे पॉलिटिशियंस भी बात करते हैं ना कि ता वक्त ये कि आपकी आप क्लियर हो जाए, आपको क्लीन चिट मिल जाए तो आप एक साइड पर हो जाए, आप स्टेप डाउन कर जाए, तो उसने मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक, उसने सही किया कि स्टेप डाउन कर गया, मेरा ख्याल है कि एक बेहतर रास्ता उनके, अब वट एवर कल को क्या निकलता है अच्छा क्या नहीं निकलता, सही मानी, खुश बिल्कुल सही स्वीप कह रहे हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंजमाम उल हक वर्ल्ड कप के इंतजाम का इंतजार कर लेते,
वैसे सुहेब यार आप मुखालफत नहीं करो इंजमाम की, आपका स्ट्रक्चर और इंजमाम का स्ट्रक्चर काफी मिलता जुलता है आप पे दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी नहीं है मेरे भाई, सही है। मुख... लेकिन अगर वो रुक जाते वर्ल्ड कप के इख्तिताम तक और उसके बाद करते, अच्छा मुझे लगता है इतनी सारी ठीक हो गया। चीजें जो डाल दी है ना टीम के ऊपर, ये उस अच्छा बेकार कारकर्दगी जो सुहेब, उन्होंने दिखाई है सुहेब उससे हटाने एक के लिए बात किया है। बताओ। क्यों गुरजीत? हाँ एक मिनट, लिसन लिसन, हाँ बोलिए जिस तरह बोलिए। आपने कहा कि वो वर्ल्ड कप का इंतजार करते और वर्ल्ड कप, तो क्या बेहतर नहीं था कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी वर्ल्ड कप के बाद बनाई जाती? क्या बेहतर नहीं था कि तहकीकात की बात जो है या इन चीजों को कुरेदने की बात वर्ल्ड कप के बाद की जाती? क्या बेहतर नहीं था कि जका अशरफ साहब जो है एक चैनल को जो है वो वर्ल्ड कप के बाद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इंटरव्यू दे देते, ये देते थे। सारी बाद में कर, नहीं आप मतलब मानी साहब, मैं इस बात पे ना, आप बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन मसला ये है ना, मैंने आपको जिस आगाज पे मैंने जब ये कहा था कि हमारे यहाँ जो ये मामला थे ये पॉलिटिकल बुनियादों पर होते हैं, आपको अंदाजा है, आप भी न्यूज से वाबस्ता हैं, आपको पता है कि क्या डेट है इनकी आखिरी, 4 नवंबर इनकी आखिरी जी डेट हाँ है। जी अब हाँ 4 नवंबर को निगरा हुकूमत क्या फैसला करती है, निगरा वजीर आजम काकड़ा साहब क्या फैसला करते हैं, ये बहुत अहम है। अब ये मिसाल मसला जो है ना, ये फैसले कहीं और से होते हैं, आपको पता है, ये जी फैसला हाँ कहीं और से होगा। अगर तो फैसला एंटी पीपल्स पार्टी हुआ तो शायद मेरे ख्याल में ये जका अशरफ निकल साहब, हाँ उनको जाना पड़े शायद। जाएंगे। लेकिन अगर मफाहमत की सियासत कामयाब हो गई, जो जरदारी साहब जिसके माहिर हैं, तो हाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत से लोगों के सर उड़ेंगे फिर। नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल ये आप ठीक कह रहे हैं। और ये अभी जो पीसीबी के अंदर बड़ी हलचल है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। ये जो अभी सिनारियो बना हुआ है और जो चीजें चल रही हैं, फिर पीसीबी में हाल ही में कुछ तकरारियां जो हुई बाज डिपार्टमेंट्स में, आप भी समझते मैं भी उससे बहुत सारी कड़ी निकल रही है, बहुत सारी। हमारी कुछ देर पहले बात भी हुई थी इस पे खुर्शीद, जी तो अब उसमें आप भी बहुत ज्यादा वो बात नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। तो अब क्या है कि यार बहरहाल ये हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह है, लेकिन यार जो भी हो रहा है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बिल्कुल मतलब देखो, एक होता है डैमेज होता है जो ग्राउंड के अंदर डैमेज होता है, ठीक है, वो तो वो फिर भी कवर हो जाता है। जो आपका इमेज डैमेज होता है या आपकी जो एक क्या कहते हैं वकार डैमेज होता है, या जिसको कह लें कि आपके ऊपर इस तरह कंट्रोवर्शियल आप हो जाते हैं ना, जब वो चीजें फिर रिकवर नहीं हो पाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, खैर ये बड़ी मैं मिसाल बड़ी हार्श या बड़ी आउट ऑफ द वे जाके दे रहा हूँ कि जैसे स्पॉट फिक्सिंग का एक मामला था, ठीक है ना, स्पॉट फिक्सिंग का एक बड़ा वो आया बड़ा लंबा, तो उसने वो बड़ा यानी कई साल तक पाकिस्तान का पीछा किया उन चीजों ने, गो के उसके बाद पाकिस्तान टीम नंबर 1 पर भी आई। ये मेरा ख्याल है कि जब तक आप इंग्लैंड में जाके सीरीज आपने बराबर की, आमिर भी वहां पर गया, वहां तक तकरीबन उन चीजों ने आपका पीछा किया कि आपका जो आपको उन चीजों से निकलने में बड़े साल लग गए। तो कहने का सही कह मतलब है रहे हैं। अभी भी जैसे कंट्रोवर्सी हो रही है, फिर इसको इंडियन मीडिया भी दूसरे लोग भी इसको कैश कर रहे हैं। अभी काफी कल एक स्टोरी वो भी आई, आपकी नजर से भी गुजरी होगी, क्रिक बज वाली जो स्टोरी थी जी जिसको जी जी हमारे जी जी यहाँ एक चैनल ने चलाया, एक चैनल ने चलाया, जी आपके और मेरे चैनल वो ने तो शायद बेसिकली एक वो कहा जा रहा है कि वो क्रिक बस की जो स्टोरी है वो उन्होंने दी है जिनको भारत से यहाँ भेजा गया है। आप समझ गए। अच्छा भाइयों, आपकी बात जरा जल्दी दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जी पाकिस्तान जी बांग्लादेश के मैच का क्या होगा? बांग्लादेश नेदरलैंड से हार चुका है और अफगानिस्तान को हरा चुका है। हम नेदरलैंड को हरा चुके हैं, अफगानिस्तान से हार चुके हैं, तो चोटी का मुकाबला होगा। यार, मैं सुहेब बांग्लादेश वाले मैच में पाकिस्तान फिर भी देखें, पाकिस्तान की ठीक है ओवरऑल हम परफॉर्मेंस देखते हैं, बहुत सारे लूप होल्स नजर आए हमको। आप लोग तो खैर पहले भी बात करते रहे, मैंने चूंकि आज ही आप लोगों को ज्वाइन किया है, मतलब ओपनिंग में आपको मसाइल नजर आए स्पिनर्स के, जो भी मसाइल हैं, लेकिन बांग्लादेश की जो मतलब ये कह लें कि बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरा खेल रहा है, मतलब मुख्तसर बात यह है कि बांग्लादेश हमसे हाँ भी बुरा खेल सही रहा है। सही कह रहे हैं। लेकिन हमारी बड़ी तारीख रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, कि जो आउट ऑफ फॉर्म कंट्री है या आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी होता है ना, पाकिस्तान उसको फॉर्म में ले आता है। हाँ ये बड़ा मसला रहा है की तारीख, ये ये भी बिल्कुल सही। हाँ ये, हाँ और तो रिसेंट देखिए जो उनका उनके हाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको हो रहा है ना, उनकी बैटिंग
में जो है कंसिस्टेंट नहीं रहे वो। और दूसरा, जो जिन टीमों ने खेला बड़ा स्कोर किया वो न्यूजीलैंड और आपका साउथ अफ्रीका है, उन्होंने 350 से ज्यादा रन स्कोर किए उनके खिलाफ। तो पाकिस्तान का ना तो तर्ज बैटिंग इस तरीके की है कि वो 350 स्कोर तक जा सके, अंटिल कोई के शुरू में आके वो एडजस्ट हो खेलें, फिर आखिरी खिलाड़ी को बल्ला चल जाए तो वो 350 स्कोर बना दें। वो जिस तरह की बाकी क्रिकेट खेल रहे न्यूजीलैंड वाले या साउथ अफ्रीका वाले, उस तरह पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेल पा रहा। तो मेरे ख्याल में अगर उनकी बॉलिंग ने जरा सा क्विक किया और उन्होंने पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट रखा, उनको जो स्पिनर है तो, और उनकी बैटिंग में शकीब उल हसन जो फॉर्म में नहीं है और लट्टन दास जो फॉर्म में नहीं आ रहे, महमूदुल्लाह ने तो सेंचुरी बना दी है, अगर वो हो गए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। क्योंकि पाकिस्तान इतनी ज्यादा खबरों के जेर असर है इस टाइम, इतनी ज्यादा प्रेशर के जेर असर है कि शायद मैदान में उनके लिए खेलना आसानी होगा। दूसरा, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली मामला जो है उसमें भी सी और डी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके तहफुजात अभी बाकी हैं। बरकरार हैं। हाँ, वो बाकी हैं और वो उस पर जो है थोड़ा सा रिजर्वेशन रखते हैं, अगरचे वो भी साइन कर देंगे आखिरी ये साइन कर देंगे शायद वो, लेकिन क्योंकि एक जगह 62 लाख रुपए मिल रहा है, सेकंड को मिल रहा है 40 लाख रुपए बी कैटेगरी को, उसके बाद मिल रहा है 17 लाख और 11 लाख, तो ये डिफरेंस इतना है पैसों का कि वो जो इफ्तिखार जो है वो डी कैटेगरी में है। तो आप मुझे बताएं कि वो उस तरह के खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते आ रहे हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदगी करते आ रहे हैं, उनके लिए बहरहाल ये जो है ऐसा होगा कि यार हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा, ये भी हो सकता है। अब अल्लाह खैर करे, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान अपने तीनों मैच जीते, पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी पहुंचे और हम फिर इनको देखें, लेकिन इस बस तरह यार आइंदा कभी नहीं खेले। बस, खुर्शीद, अब हम खत्म कर रहे हैं, टाइम भी हो रहा है, और इसको फिर अभी आप क्या कहते हैं टाइम नहीं हो सिग्नल रहा देंगे, आपका टाइम, घटाना भी मुझे है डांट की आवाज आ रही है, मुझे डांट बेटा, की आवाज आ रही ऊपर टाइम कोड चल रहा है, सही है। तो है। अभी इससे पहले के भड़क करके बंद हो जाए, हम खुद ही बंद कर देते हैं, और दुआ करें कि अगले मैचेस जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छे हों, और हमें जी जी दो कम बिल्कुल से कम दो अपसेट और देखने को मिले, ताकि फिर हम लोग भी सेमीफाइनल तक एक पहुंचे और अपसेट कल हो जाए, इंशाल्लाह पाकिस्तान उसका बांग्लादेश को हरा दे। हाँ पाकिस्तान बांग्लादेश को नहीं नहीं, हरा दे, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ एंड हो जाए। एडजस्ट चलो ठीक करेंगे है आप। फिर भाइयों, बहुत ओके मजा डियर, आया, ओके अब डियर, अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज, और अल्लाह हार्ड अल्लाह हार्ड ड्राइव में जगह बना के आएंगे। ठीक है, चले ओके, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।